स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूफिस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम छोटे वाले आलू। इनको मैंने उबालकर छील लिया है। आप दम आलू बनाने के लिए इसी साइज़ के आलू का यूज़ करें। दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसका मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 250 ml फ्रेश क्रीम, 50 ml वेजिटेबल ऑयल, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, दो छोटे चम्मच सौंफ, दो छोटे चम्मच साबुत धनिया, दो छोटे चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च, दो साबुत लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब सबसे पहले इन सभी साबुत मसालों को रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को रोस्ट करके मैंने दरदरा पीस लिया है। चलिए अब दम आलू बनाना शुरू करते हैं। अब एक फोक की मदद से आलू में इस तरीके से छेद कर लेंगे। ऐसा करने से मसाला आलू में अंदर तक बैठ जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन कर लेंगे और सेम कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। और गोल्डन कलर आने तक आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। और चलिए अब आलूओं को सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसी तेल में जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरीके से भुनने देंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, सभी सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर तेल को ऊपर आने तक भुनने देंगे। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, अब इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें आलूओं को डालेंगे एक कप पानी डालेंगे अब पिसा हुआ मसाला डालेंगे कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथ से क्रश करके डालेंगे इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। अब ढक कर लो फ्लेम पर आलूओं में दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार दम आलू को चेक कर लेते हैं। दम आलू बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इनका और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है।
अब गैस को ऑफ कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमें आलूओं को नहीं पकाना है। चलिए अब दम आलू को डिश आउट कर लेते हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे। आप इन दम आलू को रोटी, पराठा और पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।